सिर्फ कुछ दिन ये दूध बनाकर पीजिए, फिर चाहे कमर दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, बच्चे बड़े बूढ़े सबके सब तंदुरुस्त होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसी ड्रिंक लेकर आए हैं जो विटामिन्स और मिनरल से भरपूर है। ये ड्रिंक टेस्टी होने के साथ साथ अगर आप इसे सर्दियों में बनाएंगे तो आपको इसके इतने फायदे होंगे, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, ठंड से जोड़ों में होने वाला दर्द, साथ ही साथ दिन भर की थकावट दूर करने के साथ साथ ये आपकी आंखों की कमजोरी, बच्चों का दिमाग तेज करने और बड़े बुजुर्ग के शरीर में तंदुरुस्ती लाने के लिए बहुत फायदेमंद है। और गर्मा गर्म इसे पीने से ये आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तो चलिए आइए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें दूध कैसा लेना है पहले वो देख लेते हैं। आपको दोस्तों यहाँ पर लेना है लो फैट दूध। मार्केट में जैसे कि दो तरह के दूध आते हैं, एक फुल क्रीम होता है जिसमें मलाई बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हमें वो नहीं लेना, क्योंकि हम इस दूध को रोज रोज पियेंगे तो हो सकता है फुल क्रीम दूध लेने से हमारा बेवजह वजन बढ़ सके। लेकिन अगर आप पतले हैं, वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो आप फुल क्रीम दूध लीजिए, नहीं तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इस तरह से लो फैट दूध लिया है जिसका वजन बढ़ने का कोई खतरा नहीं है। और साथ में ये देखिए, ये है वो स्पेशल चीज जो हमारे शरीर में एनर्जी बढ़ाने की काम करेगी। यहाँ पर दोस्तों हमने लिए हैं सूखे हुए खजूर, जिसे हम छुआरा भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे डेट्स कहा जाता है। आपको इस तरह से सूखे हुए खजूर को क्या करना है कि जैसे मैं यहाँ पर इस तरह से इस दूध में इसे डालूंगा, आपको भी इसे 2 से 3 घंटे तक दूध में गलने के लिए छोड़ देने हैं। इससे ये खजूर मुलायम हो जाएंगे और हमारे खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। खजूर में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं, जो न केवल हमारे पेट से जुड़ी समस्याओं को ठीक करते हैं, साथ ही साथ शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, जिससे ठंड में सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं हमारे आसपास भी नहीं भटकती। इसी के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण यह हमारी त्वचा में निखार लाता है और बालों में सुधार करता है, जिससे बाल हमारे पहले से मुलायम और सुंदर बनते हैं। इसी के साथ साथ गर्भावस्था में ठंड में हड्डियां मजबूत करने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, मानसिक तनाव और दिल से जुड़ी बीमारियों के लिए भी खजूर बहुत अच्छा है। खजूर दोस्तों मार्केट में खुले हुए भी मिलते हैं और पैकेट वाले भी मिलते हैं। आपको जो सा बेहतर लगे आप वो लीजिए। और आपको यहाँ पर 8 खजूर जो है 2 से 3 घंटे तक दूध में भिगोने हैं। और साथ में आपको यहाँ पर दूसरी चीज लेनी है, वो है ये आलमंड्स, जिसे हम बादाम कहते हैं। बादाम दोस्तों मल्टी विटामिन से भरपूर होते हैं, इसमें मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। अगर हम इसे रोजाना खाते हैं, ये हमारी मेमोरी बूस्ट करते हैं, साथ ही साथ आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बादाम बहुत अच्छे हैं। मैं दोस्तों यहाँ पर इस तरह से बादाम को छोटे छोटे पीसेज में काट लूंगा, जिससे दोस्तों हम जब दूध पियेंगे इसे साथ में चबा चबा कर खाएंगे और खाने में स्वादिष्ट भी लगेंगे। आपको क्या करना है कि 10 से 12 बादाम यहाँ पर मैं छोटे छोटे पीसेज में काटूंगा, यानी कि आपको खजूर से 1.5 गुना ज्यादा 12 बादाम यहाँ पर लेने हैं, छोटे छोटे पीसेज में काट लेने हैं। और काटने के बाद ये जो बादाम है, देखिए कुछ इस तरह से हमारे तैयार हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों जो हमने खजूर भिगो कर रखे थे, ये अच्छे से गल चुके हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये जो खजूर है, इसमें से इसकी गेटक निकाल लेनी है। खजूर के अंदर जो गेटक होती है वो दोस्तों हम निकाल लेंगे। उसके लिए आप इसे चक्कू से साइड से काटिए और इस तरह से इसे निकाल लीजिए। और ये खजूर देखिए दोस्तों हमारे पूरी तरह से मुलायम। मैं यहां पर क्या करूंगा कि चक्कू से इन्हें एक एक करके अच्छे से काटूंगा और इनकी गिटक निकाल लूंगा, जिससे दोस्तों ये हमारे 8 के 8 खजूर तैयार हैं। हमने इसमें से गिटक निकाल ली है और ये जो दूध हमारा बचा है इसे हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि ये दूध हमारा खराब नहीं हुआ है और साथ ही साथ इसमें जो है खजूर का अर्क भी आ चुका है, इसका हम आगे इस्तेमाल करेंगे। आपको क्या करना है कि ये जो 8 के 8 खजूर है इसे लेना है और इसे ग्राइंड करके इसका पेस्ट तैयार करना है। इस पेस्ट को बनाने के लिए हमने यहाँ पर दोस्तों इसमें हल्का सा थोड़ा सा दूध मिला देंगे, ताकि ये बिल्कुल एक सॉफ्ट पेस्ट तैयार हो, जिससे जब हम इसे दूध में मिलाएंगे अच्छे से उसमें घुल जाए। आप देखिए ग्राइंड करने के बाद ये हमने खजूर का पेस्ट निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छे से तैयार हुआ है। और दूध में इसे डालने से ये दूध में मिठास का भी काम करेगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर इस उपाय को बनाने के लिए क्या करना है कि पहले हम यहाँ पर 2 से 2.5 कप के बराबर दूध लेंगे और उसे धीमी आंच पर गर्म कर लेंगे। गर्म करते समय दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज मिलानी है, वो है ये हल्दी, जिसे टर्मरिक कहते हैं। हल्दी दोस्तों एंटीबायोटिक है, जो जोड़ों घुटनों में होने वाले दर्द को ठीक करती है, साथ ही साथ हमारे ब्लड की सफाई के लिए अच्छी है। आपको यहाँ पर 1/4 चम्मच हल्दी मिलानी है और फिर इसके बाद हम यहाँ पर इसमें बादाम डालेंगे। बादाम डालने के बाद दोस्तों हम इस दूध को अच्छे से उबाल आने देंगे। आपको इसमें खजूर तब तक नहीं मिलाने जब तक इसमें उबाल ना जाए। ये दूध दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो शरीर में एनर्जी लाएगा, साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, इम्यूनिटी भी बूस्ट करेगा। अब दोस्तों देखिए दूध में उबाल आ गया है। अब हम यहाँ पर इसमें खजूर का पेस्ट लेंगे और उसे इसमें डालकर इसे मिक्स कर लेंगे और इसे 2 मिनट तक धीमी आंच पर गर्म होने देंगे। और ये एनर्जी ड्रिंक हमारी तैयार है। इसे हम गर्मा गर्म भी पी सकते हैं, ठंडा करके भी पी सकते हैं,
आप दोस्तों चाहे तो दिन में भी ले सकते हैं या शाम को, या फिर रात को सोने से पहले आप चाहे इसे ले सकते हैं। इसे छोटे से लेकर बड़े तक, यानी कि आप बच्चों को भी पिलाइए, बड़े उम्र दराज लोग भी इसे पी सकते हैं, साथ ही साथ प्रेग्नेंट लेडी भी ले सकती है, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। और इसमें हमने शुगर भी नहीं मिलाई, तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट भी इसे ले सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को दूध और भी ज्यादा मीठा पसंद है, तो वो इसमें हल्की सी गुड़ मिला सकते हैं या मिश्री मिला सकते हैं। इस दूध को दोस्तों रोजाना एक से आधा कप पीने से आपको डेली के जरूरी विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे, शारीरिक कमजोरी दूर होगी और घुटने जोड़े में होने वाला दर्द और ठंड से होने वाला जोड़ों का दर्द इससे ठीक होगा। बच्चों को पिलाने से उनकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और याददाश्त अच्छी होगी। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलती रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।